brought to you by YY ज्ञान ज्योति यसको कुपन चमत्कारी छ YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement. Solid technology le bancha solid cement. आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत। नयो साल 2014 की हार्दिक मंगलमय शुभकामना और आशा करा यो आणियो साल अपने सभी के लिए खुशियां लेकर के आवगो। आओ अब आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। कभी लगता है वो हमें सता रहे हैं, कभी लगता है कि वो करीब आ रहे हैं। कुछ लोग होते हैं आंसुओं की तरह, पता ही नहीं लगता साथ दे रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं। आप लोग भी पंक्तियां लिख कर भेज सको हो apnonepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। आपको नाम, ठिकानों और एक पासपोर्ट साइज की फोटो जरूर भेजियो। मैं लोग प्रयास करांगा हर एपिसोड में कुछ न कुछ पंक्तियां दिखाई जाए। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आपा आजकल देखा है इंटरनेट की एक अलग ही दुनिया है और यह दुनिया अब एक अति आवश्यक हो चुकी है और नेपाल में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की दुनिया में वर्ल्ड लिंक एक जाने माने नाम है। आपा यू भी कह सका कि प्राइवेट सेक्टर को पहली कंपनी है, नंबर एक कंपनी में गिनी जावे है। आज उ कंपनी का फाउंडर चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप अग्रवाल जी अपना अतिथि है। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। दिलीप जी कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। दिलीप जी थे जे आप बायोकेमिस्ट्री का स्टूडेंट होकर के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को एक टोटली डिफरेंट फील्ड ने क्यों चुनिया? मैं अमेरिका में पढ़ रहे थे। मेरो प्लान थो कि म मेडिसिन में जाऊंगा या फिर म रिसर्च में जाऊंगा, बायोकेमिस्ट्री रिसर्च में। लेकिन मन यो अपर्चुनिटी दिखो कि नेपाल में मेरे लोग ने इंटरनेट सेवा शुरू करना चाहिए। वो समय नेपाल में इंटरनेट सेवा कुनी थो और मेरे लोग ना यो घर घर में बात करने के लिए बहुत महंगो थो, तो ईमेल में तो बहुत सस्तो पड़ा। वो सोच कर मेरे लोग सोचा कि यो ईमेल सेवा शुरू करा और मैं अपने से सीख लियो सब कुछ। इंटरनेट कहीं सर्वर कहीं कन्फिगर करा और बिना बिको मैनेजमेंट कहीं हुआ और मैं सोचो कि नेपाल में यो करना ज़्यादा ठीक रहोगो। इसलिए मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ कर फिर मैं यो दूसरों फील्ड में चल गो। अच्छा थे जब स्टार्ट करया वो टाइम में नेपाल में इंटरनेट बोलकर बहुत कम लोग जानता और एक एस्टैब्लिश्ड हाउस मर्केंटाइल करके थो और थाने यो बेरो थो कि मतलब उन हाउस से कंपटीशन करनो है। वो होते हुए भी थे आगे बढ़िया और क्या को स्ट्रगल फेस करया फिर? अब मेरो मन थो कि नेपाल में कुछ करूं, है ना। अब इंटरनेट या आईटी सेक्टर में कुछ काम करने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट को नहीं चाहिए, माने एक कंप्यूटर चाहिए या सर्वर चाहिए, है ना, बहुत महंगो इक्विपमेंट को नहीं चाहिए। तो मैं सोचे कि यो क्षेत्र में नेपाल में कुछ करूँगा, नयो चीज भी है, ज़्यादा लगानी भी को नहीं, तो एक एक्सपेरिमेंट जाइए, एक ट्राई तो करा कह कर नेपाल में यो कोशिश किया। हाँ वो समय मैं जब शुरू किया वो समय मर्केंटाइल शुरू कर चुको थो, लेकिन मन मैं बारे में ज़्यादा सोचो को नहीं, क्योंकि मन ज़्यादा लगानी करने को नहीं थो और यो एक किस्म से मेरे लिए एक्सपेरिमेंट थो। अगर अच्छो हो गो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो मैं फिर पढ़ाई करने वापस जा सकूं हूँ। इसलिए मैंने रिस्क ज्यादा को नहीं दिखो। अभी थे बोलिया कि जी आईटी के सेक्टर में कोई काम अगर करना पड़ा है तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत को नहीं। लेकिन मेरे को तो यह सुना कि आईटी एवरी टाइम द टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग इमीडिएटली, तो इसमें तो इन्वेस्टमेंट हर समय होते रहा है बोला। हाँ तो इसमें क्या कि छोटे रूप में आदमी शुरू कर सका, है ना। जैसे मानो ना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात कर ले, वहाँ तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ह्यूमन कैपिटल ज़्यादा जरूरी है, मतलब थाना आदमी की ज़्यादा जरूरी है ना। आदमी के बाद थाना एक लैपटॉप से भी काम चल जासी, है ना। आज की दुनिया में इंटरनेट कनेक्शन एक लैपटॉप है तो थे सॉफ्टवेयर का काम शुरू कर सको थाना आवा तो, है ना। या फिर थाना आदमी एम्प्लॉय करनु हो तो आदमी को सैलरी को कॉस्ट लागसी, थाना कोई बहुत महंगा औजार को नहीं खरीदनु, है ना। इंटरनेट के क्षेत्र में भी वो समय
लगानी ज्यादा बिना किए शुरू कर सका था। अब तो खैर बहुत एस्टैब्लिश्ड फील्ड होगा, बहुत बड़ा बड़ा प्लेयर होगा, अब कोई करना चाहो तो बिना भारी लगानी करना पड़ती। तो आज के दिन में वो छोटे रूप में शुरू करके संभव को नहीं है ना। लेकिन फिर भी आईटी के क्षेत्र में ह्यूमन कैपिटल ज्यादा जरूरी है, मशीनरी से भी ज्यादा, इसके चलते कम लगानी में भी शुरू कर सका थे। आज जो स्टेटस पर पहुंच गया हो हाँ। या कवा मुकाम पर पहुंच गया हो, इनको क्रेडिट कहने देवाई कहने देगा या कवा कि हु इज योर गॉडफादर? अब क्या है कि मेरो सफलता में या मेरो जुन में उपलब्धि मिल्यो बीमा मेरो अमेरिका में जुन कॉलेज में पढ़ रहे थो बीको बहुत बड़ो देन है बीमा, क्योंकि मटे पढ़ रहे थो तो मैंने वो कॉलेज अच्छो एजुकेशन दियो, मैंने फुल स्कॉलरशिप पर रखो है ना, मैंने एक पैसा को नहीं देना पड़ो, उल्टू मैंने पैसा देता बे लोग घर जानता ही, और मैंने काफ़ी सपोर्ट किया है, और जो कंपनी में शुरू क्यों अठे आकर बिको लगानी भी मैं बठे से कमा कर लायूँ, तो इसके चलते मैं बिना ही मानूँ आपको गॉडफादर। अच्छा थे जी यहाँ यूएसए में पढ़ रहा था हाँ। और इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए थे बोलिया कि मैं नेपाल ने चूज करियो एज ए ट्रायल प्लेस, तो यो करना को कारण के नेपाल में थाने के दिखियो कि मैं ट्रायल प्लेस लेने के लिए? मैंने जरूरत दिखियो है ना, वो समय मैंने अमेरिका से अगर नेपाल फोन करता तो मन लागे करीब 70-80 सेंट लगता, अठे से फोन करने पर 150 रुपया लगता मिनट को है ना, तो डॉलर में वो समय 60 की रेट करीब थी तो मैंने $2.5 जीती लगती है ना, तो मेरे को पास पैसा को नहीं होता घर फोन करने ताई है ना, तो और मेरा बड़े भैया अमेरिका में ही रहता तो मेरे लोग मजा से इंटरनेट पर चैट करके कम्युनिकेशन करता है ना, तो फ्री ऑलमोस्ट फ्री होते वो, तो मेरे लोग सोचा कि नेपाल में भी क्यों नहीं इसो कम्युनिकेशन को साधन हो जिससे कि मेरे लोग घर ईमेल भेज सका, चैट कर सका और बी को ज़्यादा खर्च नहीं पड़ा है ना, तो मेरे मन के लागो कि ये को जरूरी तो आदमी ने डेफिनेटली होसी, अब आदमी ने पतो को नहीं तो वो बिना वो अभी यूज़ को नहीं करा, प्रयोग को नहीं करा, लेकिन बिना जब मिलेगो साधन तो प्रयोग तो करेगो, क्योंकि इसका सब सस्तो भी है और कम्युनिकेशन भी जल्दी हुआ। अच्छा जी, थारा फैमिली मेंबर्स को सपोर्ट कितनो थो और आज जब ते सफल हो तो लोगों को नजरिया में के डिफरेंस पाओ? मन के लागे कि मेरा फैमिली मा मेरा बाबू और माँ है घर पर और एक भैया है और बहन है तो अमेरिका में रहो, तो माँ तो हमेशा मैंने सपोर्ट करा क्योंकि माँ ने ज़्यादा कर, मेरे पिताजी को इच्छा थो कि मैं पढ़ाई करके रिसर्च साइंटिस्ट बनूँ, वे भी एक प्रोफेसर है, बेचारा था कि मैं रिसर्च करूँ, मैं प्रोफेसर बनूँ, बिना को बितो इच्छा को नहीं थो कि मैं बिजनेस तरफ लागू है ना, चाहे वो वर्ल्डलिंग हो या कोई किस्म को बिजनेस है ना, तो बिना को थोड़ा सो मन को नहीं थो पल्ली कि मैं यो काम करूँ, बिना न लागतो कि मान ना मर्केंटाइल जाइए कि कंपनी के साथ कम्पीट करना मुश्किल है ना, तो बे थोड़ा सो बे पल्ली रिजिस्ट करता है ये बात ना, लेकिन बाद में जब अब मैं दिखा सको कि यो अच्छो बिजनेस है, यो इमा इज्जत भी काफ़ी है ना, उठनो बैठनो भी अच्छे लोग के साथ है ना, अब डिप्लोमेट से लेकर गवर्नमेंट ऑफिसर से लेकर बिजनेसमैन सबके साथ कम्युनिकेशन हुआ, तो बाद में बिना भी अच्छो लागो। अच्छा अब जब वर्ल्डलिंक सफल है तो इन्हें स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने को कुछ सोच है के? अब आने वर्ष में करूँगा, अब अभी तक कोनी किया क्योंकि मैंने लागते हो कि स्टॉक मार्केट अठे को बितो एक्टिव को नहीं है ना, और लिस्टिंग में भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है, काफ़ी मुश्किल है ना, और एक किसिम से बिजनेस कर रहे हैं आज के दिन में बाहर का लोग का भी तो हस्तक्षेप को नहीं है ना, अब वो सब चल जाओगे सोच का भी कोनी किया, लेकिन अब कंपनी ना बड़ो करनो है तो लगानी बाहर से लानी पड़सी। अच्छा जी, इंटरनेट की जब शुरुआती दौर थो तो उन टाइम में डायल अप कनेक्शन सबसे ज्यादा चलता, उनके बाद ADSL आ गया, वायरलेस आ गया, आज भी डायल अप कनेक्शन को कितो यूज हो गया? बहुत सारे लोग है जिन्होंने इंटरनेट को प्रयोग भी तो करनु को नहीं, वे लोग ईमेल करा, थोड़ा सा चैट करा, और वे लोग सोचा कि मेरे डायल अप से काम चली रहे हुआ है ना, तो मैं क्यों और कोई कनेक्शन लूँ। अच्छा वर्ल्ड लिंक ADSL सर्विस क्यों को नहीं शुरू करे? अब ADSL के ADSL एक किस्म की प्रविधि है, टेक्नोलॉजी है जो आज के दिन में नेपाल में नेपाल टेलीकॉम लायो है, क्योंकि नेपाल टेलीकॉम के पास भी को एक्सक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, माने ना ADSL बेसिकली के है कि थारे घर में जो नेपाल टेलीकॉम टेलीफोन लाइन बिछा रखी है पल्ली सही, वही टेलीफोन लाइन में इंटरनेट डाल देनु है, अब वही हाई स्पीड इंटरनेट
तो मे लोग मांग किया था कि प्राइवेट आईएसपी सब जो मर्केंट आयल वर्ल्डलिंग है और भी सब कि माना भी दो एडीएसएल टेक्नोलॉजी माना भी ग्राहक न एडीएसएल टेक्नोलॉजी के जरिए इंटरनेट बांटना दो लेकिन एनटीसी को नहीं मान्यो है ना। बेलोग एक किस्म से मोनोपलाइज कर लिया बिना जबकि डायलअप का समय में वही टेलीफोन लाइन से ग्राहक एनटीसी ने भी डायल कर सकते हो वर्ल्डलिंग ने भी डायल कर सकते हो मर्केंटाइल ने भी डायल कर सकते हो जिससे इंटरनेट सेवा लेने में भी से ले सकते हो। लेकिन एडीएसएल के केस में नेपाल टेलीकॉम एक किस्म से मुकर गो नहीं तो एडी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अगला करना है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगला देनो नहीं देनो वो तो अगला का अधिकार की चीज को नहीं कहे वो बात है। लेकिन नियम कानून के बोल रहा कि और दूरसंचार में यो इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बात आवा है ना। नियम कानून के कहो कि वो टेलीफोन लाइन बिछा रखे हुआ वॉइस के लिए है तो वॉइस के लिए बिना कोई दूसरा न देना जरूरी को नहीं। लेकिन इंटरनेट एक अलग सर्विस होगी बिना नेपाल टेलीकॉम ने भी इंटरनेट के लिए अलग लाइसेंस लेना पड़ा मैं भी वही लाइसेंस लियो हूँ तो वो अगर आपको इंटरनेट सेवा के लिए वो लाइन प्रयोग कर रहा तो मन भी बिना प्रयोग करना देना पड़सी है ना। मन वो बोल सके कि तुम इतो पैसा दे तो मन वो पैसा देना पड़सी है ना कंपिटेटिव होना पड़ेगा नहीं तो क्या कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डालोगे और वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो पर वो मोनोपलाइज कर लोगे बिना तो बिसा ग्राहक ना फायदा को नहीं होगा कंपटीशन को नहीं आओगे। वही एटीएसएल में अगर चार पांच प्लेयर होता एनटीसी के अलावा तो ग्राहक ना मौका मिलते चार पांच प्लेयर सर्विस छानन को कि आज के दिन में सिर्फ नेपाल टेलीकॉम एक ऑप्शन है एडीएसएल के लिए। अगर पांच और लोग होता तो कंपटीशन हो तो ग्राहक ने और अच्छो सेवा मिलते। तो यो क्या कि दूरसंचार के क्षेत्र में ग्लोबली यो एक किस्म को प्रैक्टिस है मोनोपोली न ब्रेक करने के लिए है ना एकाधिकार न ब्रेक करने के लिए कि मत थारा का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है तो थारा दूसरा के साथ प्रयोग करना देना ही पड़सी है ना। और अगर थे थारा कोई लाइसेंस है और दूसरा लाइसेंस होल्डर है सेम लाइसेंस को तो थाना बिना ना इक्वल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यो नहीं कि मेरो लाइसेंस मेरो कंपनी को लाइसेंस का जरिए मुझे सर्विस दे रहा हूँ बिना मैं खाली एक्सेस दूंगा और दूसरों ने को नहीं दूंगा भैया को ट्रीटमेंट को नहीं हो सका। अच्छा आज भी जो आम नेपाली जनता इंटरनेट की पहुंच से बहुत दूर है। अगर परसेंटेज में बात करा या क्वांटिटी वाइज बात करा तो नेपाल में कितने पॉपुलेशन है जो कि इंटरनेट यूज करे। पॉपुलेशन वाइज तो ज्यादा आवागो नेपाल में करीब 2 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहने के बाद मानिए ना एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन 5 लोग प्रयोग कर तो थे बोल सको कि 10 लाख प्रयोग करता है ठीक है। मोबाइल पर अनदर एक 10 लाख प्रयोग करता हो सी जो मोबाइल के जरिए कर है ना। बीमा बिको नंबर तो मन लागे बीस भी ज्यादा है लेकिन एक्चुअल प्रयोग करने वाला लोग कम होगा क्योंकि बहुत लोग एक्टिवेट कर लेवा बीके बाद भूल जावा प्रयोग को नहीं करा या बीके करना फोन को नहीं प्रयोग करने ताई तो कहना मुश्किल है कि कितना प्रयोग करता है एग्जैक्टली वो नंबर थोड़ा सा इलूसिव है थोड़ा सा अंदाज करना मुश्किल है। लेकिन 2 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन है बीका मतलब 2 लाख घर में इंटरनेट है ना। तो लेकिन आम जनता आज भी को नहीं कर पा रही क्यों महंगो है इसलिए कि क्या रीजन है। एको कारण सब 3-4 कारण हो सका है ना। एक तो क्या है कि बिना लागा कि मेरा मन एक जरूरत ही को नहीं है ना बिना जरूरी महसूस को नहीं हो मानो न थे एक काठमांडू में कोई घर ले जिम्मा कोई मैंने हस्बैंड ड्राइवर है वाइफ भी कहीं काम कर है ना बिको महीना को दोनों मिलाकर 15,000 हुआ तो बे सोचा कि मैं क्यों इमा 1,000 रुपया महीना को खर्च करूँ मन इको कोई प्रयोग कोई यूज को नहीं है ना। लेकिन वही घर में अगर कोई लड़को है या लड़की है जो स्कूल में पढ़ा तो वो बोलोगे कि नहीं मना चाहिए इंटरनेट क्योंकि मना रिसर्च करनो है मन यो करनो मन वो करनो है तो फिर वे लोग सोचेगा कि लेवा है ना। तो एक तो क्या है कि जो हाउस होल्ड है जो घर है बिना लागा कि मना जरूरत ही को नहीं की है ना। दूसरो एफोर्डेबिलिटी भी आवा है ना क्योंकि हमारे देश में थोड़ा लोग को परचेजिंग पावर कम है ना। तीसरो कारण के हो सके कि बिकन बिको टूल्स को नहीं प्रयोग करना था जैसे कंप्यूटर को नहीं फॉर एग्जांपल है ना तो वो सोचा कंप्यूटर ही को नहीं तो मैं क्यों लूँ है ना। और चौथो बात है कवरेज की है ना जैसे कि अभी के दिन में भी मे लोग पूरे देश ना इंटरनेट से कवर को नहीं कर पाए हैं माने ना कोई ग्राहक है नेपाल काठमांडू में ही लेवा मे लोग काठमांडू से बहुत दूर को नहीं जाने जरूरत। अगर मे लोग काठमांडू से 4-5 किलोमीटर दूर कोई गाबी से जावा तो बठे भी मे लोग को नहीं दे सका जितना भी आज का दिन में 8-9 आईएसपी है वे लोग भी मिलकर को नहीं दे सका आज का दिन में है ना। तो एक कवरेज की भी बात आ जावा है ना तो काफी काफी कारण है इका।
अब एक छोटो सो ब्रेक ले वहाँ फिर से आगे बढ़ा। ठीक दर्शक बृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, ई मध्य कुन सिम कार्ड को एक प्रकार हो? ऑप्शन ए जीपीएस, ऑप्शन बी वाईफाई, ऑप्शन सी लैंडलाइन र ऑप्शन डी जीएसएम। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ए बी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाई वाई को गिफ्ट ह्याम्पर। ब्लूबर्ड मल त्रिपुसामा रहेको तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टका तर्फबाट सेट मेनु थाली प्रत्येक हप्ता 2 जनालाई, ग्रीन लाइनको किटली प्रत्येक हप्ता 1 जनालाई, कलर्स मोबाइल एक्स फैक्टर स्टार प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, प्रत्येक महिना सीजी को मिक्सर ग्राइंडर 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by YY ज्ञान ज्योति, यसको कुपन चमत्कारी छ। YY ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली समृद्ध नेपाल। Life is so sleek in my kitchen. Have a life, gotta enjoy. Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. Breeze Cement, solid technology le bansa solid cement. Break ke baad aap sab ko fir se swagat hai. Abhi aap baatchit kar rahe hain Worldlink Communications ka founder chairman aur managing director Dilip Agarwal ji se. Aao in baatchit ne fir se aage badhawa. Acha aam Nepali janta soche hai ki internet service mehengi hai. भैया दूसरी तरफ विदेश से जो लोग उरा आवे है बे लोग या कहे है नॉर्मली कि इंटरनेट की जो स्पीड उरा जो दी जावे है दैट इज वेरी वेरी स्लो। ठीक है कहूंगा मैं पहले तो कहूंगा कि नेपाल में इंटरनेट बहुत सस्ती है। ठीक है और इकलिए साउथ एशिया में थे कोई भी कंट्री में चला जाओ कोई भी मुल्क में चला जाओ तो नेपाल से थाना महंगा मिल सी। जो इंडिया में कोई एग्जाम्पल लेवा भारत में MTNL की सेवा है मन लगे अब 500 रुपया महीना का लगे बिकी लेकिन वो कोई लेवा को नहीं क्योंकि बिको क्वालिटी को नहीं है ना बीमा वो इंटरनेट काम ही को नहीं करा तो बिना थे छोड़ दो। बिक बात थे कोई भी प्राइवेट ऑपरेटर की सेवा अगर देखो तो कोई भी 1200-1300 भारू से कम कुछ भी को नहीं। ठीक है तो यो कहनो एक किसिम से थोड़ा बहम है कि नेपाल में महंगो है मेरे लोग एक्चुअली सस्तो कर रखा है। दूसरों चीज़ की है कि अब विदेश की कंपेरिजन में अठे इंटरनेट स्लो है मैं मानो ये बात है ना लेकिन इसकी कारण की है कि जो जो स्पीड है वो मे लोग ना भी वो बैंडविथ बाहर से खरीदना पड़ा थे ये सोचो कि नेपाल से मे लोग एक पाइप बिछावा विदेश तक हाँ जठे सर्वर सब जे मानो थे CNN को वेबसाइट जाओ तो CNN की सर्वर नेपाल में को नहीं। CNN के सर्वर सपोज आज के दिन में पहले अमेरिका में होयो कर तो अब एशिया में सपोज सिंगापुर में। ठीक है तो मैंने सिंगापुर तक पाइप बिछाना पड़ा वो पाइप कितो मोटो पाइप लूंगा वो अनुसार से मैंने पिसा देना पड़सी। अब वो पाइप से फिर मैं पानी थे बैंडविथ में पानी समझो मैं पानी बांटू सबके घर में बिकलिए मैं फिर पाइप खींचू थारो घर तक वायरलेस सब खींचू या केबल से खींचू है ना तो वो पाइप मैंने भी विदेश से खरीदना पड़ा बिको कॉस्ट हाई है तो जो लेकिन अगर कोई सिंगापुर में कोई सर्विस प्रोवाइडर है तो बिना बितो लंबो पाइप को नहीं खींचनो वो तो लोकली खींच लो पानी है तो बिकल ये वो बैंडविथ सस्तो पड़ा वो पाइप में से जो पानी वो खींचे वो सस्तो पड़ा तो एक वो कारण है कि यो बैंडविथ जो मे लोग विदेश से मंगावा वो मे लोग के लिए काफ़ी महंगो पड़ा तो मे लोग बिना अगर मे लोग ने फास्ट स्पीड देनो ज़्यादा पानी देनो मोटो पाइप देनो माना तो मैंने बिको ज़्यादा पैसा लेना पड़ सी। तो आज के दिन में भी मे लोग 10 Mbps को सेवा देवा केबल में है ना और बिकल लिए भी मे लोग 1100 रुपया चार्ज करा तो वो महंगो को नहीं है ना तो मे लोग भी हाई स्पीड सेवा देने कोशिश करा लेकिन मे लोग विदेश के अनुसार को नहीं दे सका क्योंकि मे लोग ने वो बैंडविथ बाढ़ने से लेना पड़ा और वो काफ़ी महंगो पड़ा। अच्छा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हुआ है तो अब इंटरनेट में नई फ्यूचर टेक्नोलॉजी की अब के इंटरनेट थे के सोचो कि मे लोग जो सेवा देवा मे लोग थाना और मे लोग इंटरनेट से कनेक्ट कर देवा। ठीक है मे लोग को काम एक कैरियर को काम है ना मे लोग वो कनेक्शन मिला देवा बिके बाद थे इंटरनेट का सेवा प्रयोग करो जैसे थार कोई वेबसाइट ब्राउज करनो या थाना VoIP कॉल करनो है स्काइप चलानो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनो है थाना कोई रिसर्च करनी हो जो भी करना हो वो इंटरनेट को कॉन्टेंट थे प्रयोग करो मेलो कनेक्शन मिला देवा। नेपाल को संदर्भ में नेपाल में
मेलोक ज्यादा केबल को नहीं बिछा सका, क्योंकि केबल बिछाने को कॉस्ट बहुत पड़ा, और थे अगर पहाड़ देखो तो बटे केबल बिछानो बहुत मुश्किल है ना। विकसित मुलुक में भी पहाड़ क्षेत्र में केबल बिछानो बहुत दिक्कत है, लगानी बहुत है अभी में। तो मेलो के लिए वायरलेस सबसे अच्छा है, वायरलेस से मेलो ग्राहक ने सेवा दे सका। लेकिन बिके लिए मानक सरकार से लाइसेंस चाहिए। आज के दिन में वायरलेस में वाईमैक्स कह के एक टेक्नोलॉजी बोला, वो पॉपुलर है लेकिन वो भी अब धीरे धीरे लोप हो रहे हुआ, कि नेपाल में आने से पहले वो लोप हो गया। अब LTE कह का टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है ना, ये 4G टेक्नोलॉजी है, 3G के बाद 4G। अब यो टेक्नोलॉजी मेलो कोशिश कर रहा है नेपाल में लाने को, लेकिन इसके लिए माना लाइसेंस चाहिए गवर्नमेंट से। अच्छा, आज की जो भी अवेलेबल फैसिलिटीज है उनके आधार पर एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर ने इंटरनेट सर्विस के लिए कितनी स्पीड इज मोर देन इनफ? अब क्या है कि आज के दिन में इंटरनेट को प्रयोग वीडियो पर ज्यादा चल गया, ठीक है। पहले लोग वेबसाइट ब्राउज करता, स्काइप पर चैट कर लेता, वॉइस कॉल कर लेता है ना, या फिर चैटिंग कर लेता, ठीक है। तो बीमा ज्यादा बैंडविड्थ की जरूरत को नहीं पड़ती, वो समय 256 काफी थो, लेकिन अब लोग वीडियो देखा, ठीक है। वीडियो के लिए था ना 512 kbps सफिशियंट है, ठीक है। लेकिन आज के दिन वीडियो भी हाई डेफिनेशन चल गया, थे यूट्यूब में अगर जाओगा तो हाई डेफिनेशन में चल जाओगे वो, तो हाई डेफिनेशन के लिए फिर था ना 1 mbps चाहिए ना। तो आज के दिन में प्रयोग अगर करनो अच्छी सा, अब वीडियो अगर देखनी है सब करनी है तो 1 mbps स्पीड जरूरी है। अच्छा, बहुत सा घर में आज भी यह सोच है कि इंटरनेट एक्सेस अगर आप घर में रखांगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, ठीक है। कहो ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है ना। अब मैं तो कहूंगा कि बच्चा और सपरा बच्चा के लिए बहुत अच्छी है, कि क्योंकि वो बच्चों पल्ली जो माने ना वीडियो गेम खेलते हो या कुछ और करते हो, वो अब कम से कम इंटरनेट पर कुछ सीख रहे हो है, और बिकी पढ़ाई में काफी बिना बिना मदद पहुंच रहे हो, क्योंकि पहले वही पेरेंट्स ना इंसाइक्लोपीडिया खरीदना पड़ते हो कि खरीद कर किताब खरीदना पड़ता, अब वो किताब कुछ को नहीं चाहिए है। बिना कोई चीज के बारे में सीखना है तो वो सीधे गूगल में या विकिपीडिया में डाला और बी के बारे में इंस्टेंट बिना इंफॉर्मेशन आ जाओ है। तो वो टूल को तो कोई कंपेरिजन ही को नहीं, कोई बी को तुलना ही को नहीं आज के दुनिया में। इंटरनेट के बिना पढ़ाई लोग कर सका, लेकिन जो एफिशिएंसी से इंटरनेट होने से हुआ पढ़ाई हुआ, वो एफिशिएंसी को नहीं आ सका। अब कोई भी चीज को अच्छो पच और बुरो पच तो हो ही है। अब एक फिर से ब्रेक ले, फिर बातचीत में आगे बढ़ाओ। दर्शक वृंद, फिर से एक छोटो सो ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले बधाइयां और भूली बिसरी याद को सेगमेंट। बधाइयां, आप लोग भी इस सेगमेंट के जरिए आपका रिश्तेदार ने जन्मदिन, सालगिरह या और कोई अवसर की शुभकामना दे सको हो। बस थाने इतनो करनो है, जन शुभकामना देनो चाहो हो, उना की फोटो और थारी आपकी फोटो एवं दोनों को नाम और अवसर को नाम अपनो nepal@himalayatv.com पर ईमेल करो। हमारी हर संभव कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा शुभकामना संदेश प्रसारण कर सका। Thank you.
स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप अग्रवाल जी से। आओ इस बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। अभी थे बोलिया कोई भी चीज की पॉजिटिव हुआ है भी नेगेटिव भी हुआ है तो वर्ल्ड तो इंटरनेट का कारण से टिप्स में आ गयो उंगलियां में हो गयो लेकिन इनकी डिमेरिट्स के किए है। इनकी डिमेरिट्स अब जो है कि अब थे देखोगा अमेरिका तरफ तो लोग यूएस गवर्नमेंट मॉनिटर करा कि लोग इंटरनेट से इंटरनेट के जरिए बॉम्ब मेकिंग या आतंकवाद गतिविधि को कहीं सीखा भी लोग है ना क्योंकि वेबसाइट सब है जिनमें लोग सीख सका है ना। इंटरनेट को सबसे बड़ो देन के है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी इंफॉर्मेशन ना इंटरनेट पर डाल सका था ना कोई रोक कोनी भी है ना ते कोई भी इन्फॉर्मेशन डाल सको और बिना संसार को फिर कोई भी आदमी पढ़ सका ना तो था ना बॉम्ब मेकिंग स्किल सिखानु है ना अलकायदा का टेररिस्ट ना तो ते बैठे डाल दो बे लोग पढ़ ले होगा तुरंत है ना इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होगी तो बिको बैड पच वो एक होगो। दूसरों के है कि इंटरनेट में आज भी पोर्नोग्राफी बहुत बड्डो एक एक कॉन्टेंट है ना और वो बढ़तो कॉन्टेंट है तो वो भी एक है कि पेरेंट्स लोग के लिए एक चिंता की विषय है ना तो बिकी रोकथाम के लिए ये पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर वगैरह आवा राउटर में भी डाल सका बीमा घर को जो वाईफाई राउटर है बीमा भी रख सका तो वो पेरेंटल कंट्रोल डालना बहुत जरूरी है ना। तो वो पेरेंटल कंट्रोल जो थे बोल रहे हो वो चीज डालने से क्या होगा को वो डालने से थे देख थे एक तो रिस्ट्रिक्ट कर सको कि बच्चों के इंटरनेट पर के काम कर सका के देख सका के कर सका कुन कुन वेबसाइट जा सका वो थे रिस्ट्रिक्ट कर सको पहली बात। दूसरी बात की है कि थे रिस्ट्रिक्ट कर सको कि वो कितने बजे से कितने बजे इंटरनेट कर सका चला सका है ना तो जैसे मानो थे बोलो कि आपको बच्चों ने थे बोलो कि तू सिर्फ स्कूल से 3 बजे से 5 बजे तक इंटरनेट चला सका बिकॉज इतना को नहीं मिलोगो सो थे वो सेटिंग डाल सको भी मैं कि 3 बजे से 5 बजे तक सिर्फ ऑन होगा इंटरनेट फिर ऑफ हो जाओगे है ना तो भैया भैया का थे काफ़ी कंट्रोल कर सको थे यो देख सको कि वो कुन कुन साइट गयो थाना अगर शंको है ना एज ए पेरेंट तो थे वो लॉग रख दोगे कि थे कि बच्चों कुन कुन साइट गए थे कि किए थे तो थे वो रिव्यू कर सको तो भैया को पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर भी आवा जो डालना मेरे विचार में बहुत जरूरी है। लेकिन एज ए सर्विस प्रोवाइडर जहाँ फॉरेन में लोग सुना कि कई साइट्स हो गए जो वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही उन्हें ब्लॉक करे हाँ, हाँ। लेकिन नेपाल में वो अभी तक सुनने में को नहीं आवे तो एज ए सर्विस प्रोवाइडर थेलो को नहीं उन्हें वो कर सको कि कंट्रोल इमें के है कि मेलोग को काम है थाना एक्सेस देनो ठीक है मेलो को काम यो डिसाइड करनो को नहीं कि यो कंटेंट थारली एप्रोप्रिएट है कि को नहीं बिको जजमेंट थाना करनो है ना कि यो एप्रोप्रिएट है कि नहीं या फिर सरकार न करनी है ना मेलोग के पास वो अथॉरिटी को नहीं या वो जजमेंट करने को अधिकार को नहीं कि यो कंटेंट एप्रोप्रिएट है कि इनएप्रोप्रिएट है ठीक है। अब थे सेंसरशिप की बात कर रहे हो सेंसरशिप की बात में सरकार माना कभी समय समय में अभी बहुत समय से तो कोनी मेलों ने कुछ कहे हो लेकिन समय समय में मेलों ने बोला कि यो वेबसाइट ब्लॉक कर। अच्छा ये टाइप की जो या टेक्निकल फील्ड है ये फील्ड में अपनो मारवाड़ी समाज का लोग को इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहा है हाँ। यो के रीजन है
अब क्योंकि आईटी क्षेत्र में अभी भी बहुत कम है, नेपाल में बहुत कम है, इंडिया में तो खैर बहुत होगा है ना। नेपाल में कम नया नया पीढ़ी में लोग है, नया नया लड़का लोग पढ़ कर आया, अभी लोग थोड़ा सा प्रवेश कर रहा है, लेकिन फिर भी तो इंटरेस्ट को नहीं। और बिको कारण मैं के देखूँ कि यो थोड़ा सो टेक्निकल क्षेत्र हो गो और इकी समझ सब न को नहीं, स्पेशली जैसे कि अब प्राय तो डिसीजन मेकर थोड़ा ओल्डर जनरेशन का लोग हुआ, यो बिजनेस में बेलोग न जानो कि नहीं जानो, अब बेलोग न समझ को नहीं आवा, बेलोग न किस बेलोग के लिए आसान किया कि मे लोग ये सामान मंगाया और ये बेच दिया है, या फिर मे लोग ये सामान प्रोड्यूस किया फैक्ट्री से, यो के निकली तो वो आँख के सामने दिखा वो सामान है ना। अब सॉफ्टवेयर के कि न दिखा है ना, और या फिर वो सेवा है वो दिखा भी को नहीं, अकाउंटिंग करना भी थोड़ा मुश्किल है ना, तो वो समझ में को नहीं आओ, एक चलते मन लागे लोग थोड़ा सो भी में प्रवेश को नहीं किया अभी तक। अच्छा, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर यंग जनरेशन ने के कहो? मैं ये कहना चाहूँ कि लोग के पास यंग लोग के पास ड्रीम हुआ, वो ड्रीम ना परस्यू करना चाहिए ना। जब आदमी यंग रहा तो वो रिस्क ले सका, तो बने वो रिस्क लेना चाहिए है ना। यो नहीं कि मैं यो करूँगा तो क्या होगो, सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा है ना, ये सोच कर बहुत लोग पीछा हट जाओ और बिके बाद कुछ होगा को नहीं। मैं भी वो समय सोचते कि ओ मैं नेपाल क्यों जाऊँ, मैं जाऊँगा तो फिर क्या होगो क्या नहीं होगो है ना, मैं क्यों नहीं अमेरिका में ही रह जाऊँ, मैं क्यों नहीं पढ़ाई करूँ, तो बहुत आसान तरीका हो तो मेरे लिए, शायद मेरे लिए वो ज़्यादा अच्छो भी हो तो आज के दिन में, लेकिन मैं सोचो कि मैं रिस्क लेऊँ कुछ कोशिश करूँ, तो क्या है कि वर्ल्डिंग शुरू होगो है ना। तो बिके तो मेरे विचार से यंग लोग है ना जो रिस्क ले सका, क्योंकि बिना आदमी जब ओल्ड होते जावा तो बिना रिस्क लेना और भी मुश्किल हो जावा, क्योंकि बिका फैमिली हो जावा, ऑब्लिगेशन ज़्यादा बढ़ जावा है ना, लेकिन यंग समय में रिस्क ले सके आदमी तो रिस्क लेना चाहिए, मेरो सुझाव यही है। अच्छा, सफल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते का एमडी होने के नाते देश और समाज के लिए थारी थे लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ने कहीं निभा रहा हो और आपनो मारवाड़ी कम्युनिटी के लिए स्पेशली कुछ कर रहे हो कि नहीं? मे लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत काफी अनाथालय है ना, मे लोग स्पॉन्सर कर रखा है, मे लोग इंटरनेट सेवा देवा फ्री में एनजीओ सब ना, मे लोग कना काफ़ी ना मे लोग बढ़िया सपोर्ट कर रहे हैं, और मे लोग जैसे कि समय समय में मे लोग चैरिटी में डोनेशन करते रहो हैं, मे लोग कना नेपाल में और भी बिजनेस हाउस का जैसे मे लोग कना भी कोई एकदम फॉर्मल अप्रोच को नहीं इमा, लेकिन मैंने कहना पड़ो तो मैं ये भी कहूँगा कि अगर मे लोग तकरीबन 600 परिवार पाल रहे हैं तो वो भी एक किस्म से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, और मिलो सरकार ना अगर 5-6 करोड़ टैक्स भर रहे हैं तो वो भी अच्छो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बिका अलावा भी मिलो और एक्टिविटीज कर रहा है, लेकिन भी तो फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड वे में कोनी। जाते जाते एक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो थाने के लागे कुछ करने को जुनून सिर्फ जरूरी है या भगवान और भाग्य को साथ भी जरूरी है? मैं यो सिर्फ कहूँगा कि आदमी ना भाग्य या भगवान के भरोसे नहीं रहना चाहिए है, बिकी जरूरत है आदमी ना आपको मेहनत पर विश्वास होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए, क्योंकि विषय सिर्फ सफलता आवागो। अच्छा, थे इन कार्यक्रम में आया इनके लिए थारो बहुत बहुत धन्यवाद है, थे माना बुलाया बिके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद है, हिमालय टेलीविजन की तरफ से यह छोटी सी भेंट आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन का एमडी दिलीप अग्रवाल जी से, आप लोग इना की बात सुनिया, और ये जो बोला है बच्चा लोग को इंटरनेट एक्सेस को एडिक्शन जो है, जहाँ टेलीविजन को एडिक्शन है, ये एक बे की बीमारी है, तो इन्हें कंट्रोल करना आप पेरेंट्स को काम रवगो, इतनो कहते हुए अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इस हफ्ते को दर्शक प्रश्न एक बार गत हप्ता सोधिएको प्रश्न। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा औठा चिन्ह केका लागि प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए ट्याग गर्न, अप्सन बी कमेन्ट गर्न, अप्सन सी शेयर गर्न र अप्सन डी लाइक गर्न। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी लाइक गर्न।
दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल पाँच एसएमएस कर्ता हुनुहुन्छ 9842404673 9852235588 9814301723 9512821949 9141366643 तर्बन तड्का रेस्टुरेन्टको कुपन पाउन सफल हुनुभएको छ 9813867635 9510928059 ग्रीन लाइनको किटली पाउन सफल हुनुभएको छ 9552033990 बधाई छ विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित एक हप्ता भित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 9849923804 पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन सिम कार्डको एक प्रकार हो? अप्सन ए जीपीएस, अप्सन बी वाइफाई, अप्सन सी ल्यान्डलाइन र अप्सन डी जीएसएम। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबी सी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आजका लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मनवी इजाजत दियो और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह, सुझाव, प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalaytv.com पर, या फिर फेसबुक संजाल में अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड अगर देखना हो तो यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो, और अब आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। जाते जाते एक जानकारी और, कल से यानी कि रविवार से 29 दिसंबर से 31 दिसंबर तक नानी बाई को मायरो अमृत भोग कॉम्प्लेक्स काठमांडू में हो रहे है। आप लोग भी इनको खूब आनंद उठाओ और नए वर्ष 2014 की फिर से एक बार आप सब ने शुभकामना। नमस्कार।